आज का वरदान युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। यह दुनिया एक युद्ध स्थल है जहां हमेशा कभी बाह्य रूप से अपने ही संबंधी वातावरण परिस्थितियां वायुमंडल प्रकृति के तत्व पांच विकारों के भिन्न भिन्न रूप मुझे हिलाने के लिए समक्ष आ जाते हैं और कभी मेरे ही पुराने पूर्व जन्मों के संस्कार स्वभाव इमर्ज होकर व्यर्थ संकल्पों के रूप में भिन्न भिन्न आंतरिक कमजोरियों के रूप में मुझे ईश्वरीय मार्ग से भटकाते हैं। इस युद्ध स्थल पर मुझे पीछे हटाने की यह हराने की पूरी कोशिश करते हैं। श्रीमत पालन करने में विघ्न रूप बन जाते हैं। अहम और वहम भाव प्रकट कर मन को भ्रमित करते हैं। बुद्धि को विचलित करते हैं। परंतु मैं रूहानी योद्धा हूं। और इस युद्ध में मेरे संग स्वयं सर्वशक्तिमान है। फील करें प्यारे बाबा के साथ को। ईश्वरीय ज्ञान के हाथ को जो हर वक्त हर परिस्थिति में मेरी स्वस्थिति को इतना शक्तिशाली और ऊंचा कर देता है जो माया का हर रूप इस शक्ति के समक्ष छोटा और कमजोर नजर आता है। बाबा ने मुझे ज्ञान के ऐसे अचूक अस्त्र और शस्त्र दिए हैं जिससे मैं हर समस्या हर विघ्न को
दूर से ही पहचान कर ईश्वरीय युक्तियों द्वारा विजय प्राप्त कर लेते हो। भिन्न भिन्न विधियों द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेते हो। महसूस करें आंतरिक सामर्थ्य को, स्वयं पर, शिव बाबा पर दृढ़ निश्चय को। महसूस करें कि मैंने कल्प कल्प इन विकर्मों विकृतियों रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। संगम युगी मेरी ये विजय है, मेरी एक जन्म नहीं अभी तो 5000 वर्ष की अविनाशी प्रालब्ध बना रही है। फील करें इस अमूल्य हीरे तुल्य ईश्वरीय जीवन के हर सेकंड के महत्व को। और बेहद के दृष्टिकोण से शिव बाबा के अविनाशी सानिध्य से हर कमजोरी पर विजय पाते आगे बढ़ते जाएं।